तो श्रावस्ती जनपद के कोना में श्री राम नवमी के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के राम भक्तों के द्वारा पूरे नगर में भगवान रामलला के प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली गई। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इकौना नगर में भगवान रामलला के प्रतिमा की शोभा यात्रा इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। भगवान रामलला की ये प्रतिमा बिल्कुल अयोध्या में विराजमान रामलला की प्रतिमा का स्वरूप है। ये प्रतिमा बाजार में निकाली गई शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र बना रहा है। इसे देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि ये वही प्रतिमा है जब अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो इसकी एक तस्वीर जब सोशल मीडिया में आई थी तो उसे करोड़ों लोगों ने शेयर किया था। और आज यही प्रतिमा का स्वरूप हमारे कोना के शोभा यात्रा में शामिल किया गया है। देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए और ये प्रतिमा हमारे कोना में समाज सेवी भगवती प्रसाद मिश्रा सेवा अस्पताल के डॉक्टर रमेश मिश्रा ने मंगवाया है, जो शोभा यात्रा में शामिल किया गया है। पूरे बाजार में शोभा यात्रा को भ्रमण कराया गया। सुरक्षा की दृष्टि से कोना की पुलिस शोभा यात्रा के साथ चलती रही। पूरा इकौना कस्बा श्री राम के नारों से गूंज उठा। रामनवमी राम जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में लोग नाचते गाते दिखाई पड़े और भगवान श्री राम का उद्घोष करते हुए नजर आए। इस अवसर पर भाजपा विधायक राम फेरन पांडे, कन्हैया कसौदन व डॉक्टर रमेश मिश्रा ने लोगों को रामनवमी एवं राम जन्मोत्सव की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम समस्त जनमानस का कल्याण करें। तो इकौना चौराहे पर लेकर चलते हैं आपको, जहां पर राम भक्तों ने बहुत ही भव्य शोभा यात्रा भगवान श्री राम की निकाली है। सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र है वो ये प्रतिमा बनी हुई है। बहुत सारे लोग जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो यहीं पर दर्शन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और पहली झलक देखने के लिए लोग परेशान थे कि आखिरकार भगवान की जो स्वरूप जो प्रतिमा वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है उसकी झलक कैसी होगी। जैसे ही ये फोटो शेयर हुआ था करोड़ों लोगों ने इसे शेयर किया था और ये इकौना वासियों का सौभाग्य है कि आज इकौना में वही प्रतिमा शोभा यात्रा में निकाली गई है, जिसे देखने के लिए लोग अपने घरों से निकल आए हैं लोगों ने। और सुरक्षा की दृष्टि से आपको बता दें कि इकौना की पुलिस थाना अध्यक्ष इकौना इस शोभा यात्रा के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग इस प्रतिमा के स्वरूप की सेल्फी भी ले रहे हैं। इसको मंगवाया है डॉक्टर रमेश मिश्रा, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। डॉक्टर रमेश मिश्रा जी को हमारे इकौना के बहुत ही अच्छे समाज सेवी, हर काम में सबसे आगे रहने वाले, साथ में व्यापार मंडल के अध्यक्ष कन्हैया कसौदन, बाकी जो जितने भी राम भक्त हैं सब खुशी से इस वक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। पूरे इकौना के हर मोहल्ले में ये शोभा यात्रा गई है, जहाँ पर लोगों ने भगवान रामलला के दर्शन किए हैं। साथ साथ में पुलिस भी थी और जन कल्याण की कामना की है राम भक्तों ने। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये प्रतिमा निकाली गई है। इस अवसर पर कन्हैया कसौदन ने कहा है कि पूरे देश में रामनवमी राम जन्मोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इकौना कस्बे में भी शोभा यात्रा निकाली गई है और जय श्री राम के नारों से पूरा इकौना गूंज उठा है। इकौना रामलीला मैदान से लेकर के इकौना के चारों तरफ मोहल्ले में काफ़ी देर रात तक, तकरीबन 10 बजे तक ये शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से और जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकली है। आगे हम आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसमें जो भजन व गाना बज रहा है डीजे में उसको म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से हम जो भगवान श्री राम का गाना बज रहा है वो कॉपीराइट की वजह से म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कॉपीराइट आ जाएगा, उसके बाद में पूरा वीडियो ही डिलीट करना पड़ जाएगा, बाद में सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बंधु, कल श्री राम नवमी का पावन पर्व था। 550 साल के बाद हम हिंदू जनमानस ने, सनातनियों ने अपने प्रभु को अपने घर में पाया है और उनका जन्म दिवस पहली बार 550 साल में अपने घर में मनाया जा रहा है। उसी के शुभ अवसर पर आज हमारे नगर इकौना में यह शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निकाली गई है। और बंधु, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि सत्य सनातन की छाया होगी अब की शासन में और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे।
तो ये इकोना संजय पार्क पर इस वक्त शोभा यात्रा निकल रही है गाजे बाजे के साथ। सुरक्षा की दृष्टि से इकोना पुलिस मुस्तैद है और ये शोभा यात्रा इकोना के थाने से होकर के बाकी मोहल्लों में जाएगी और उसके बाद में फिर वापस बाजार में लौटेगी।